वेलकम टू speeddining.com, speeddining.in। आज हम लोग एक बहुत बहुत खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आखिर तक सुनिएगा, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि कमा लेना हर किसी के बस की बात है, लेकिन खर्च करने की कला सीखनी पड़ती है, वो बहुत बड़ी कला है। अगर आपने खर्च करना नहीं सीखा कमाने के साथ में, तो आपका पैसा यूजलेस हो जाएगा, आपके लिए सरदर्द बन जाएगा। और अधिकतर दुनिया के घरों में, खासतौर पे हिंदुस्तान के घरों में तो ये होता आया ही है। तो हाउ टू स्पेंड प्रॉपरली, मतलब आप ये बिल्कुल मत समझिए कि ज्यादा खर्च करने को खर्च करना कहा जाता है या कम खर्च करने को खर्च करना कहा जाता है। खर्च करने का सही तरीका वो है कि मैं ये जानूं कि बेस्ट मेरे लिए अभी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और वो सोच मेरे अपने जीवन से निकल के आनी चाहिए। हाउ डू वी स्पेंड, बचपन से कैसे चीजें होती है। देखिए, हम जो भी खर्च करते हैं, बचपन से जो हमारा पैटर्न बना है, चाइल्डहुड पैटर्न, उसको देख के हम करते रहते हैं। तो अगर हम जैसे व्यापारियों के परिवार में खाने पे, पहनने पे, खाने पे अच्छा खर्च करते हैं, पहनने पे भी चलो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों पे जो आगे आ रही है, जैसे इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी, उस पे वो लोग कम खर्च करते थे, अब साइकिल चेंज हो रहा है, वो लोग भी धीरे 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 नई चीज़ों पे खर्च करने की मानसिकता तैयार कर रहे हैं। अब हम बाकी लोगों को देखें, जैसे सर्विस क्लास लोग थे, तो उनके लिए हो सकता है बुक्स, पेन, ये वो सारी चीज़ों में ज़्यादा वो खर्च करते होंगे और दूसरी चीज़ों पे वो कम खर्च कर पाते होंगे। तो हर एक इंसान के अंदर एक हिस्सा बना होता है कि कोई इंसान खाने पे खर्च करता है तो नहीं सोचता है, कोई इंसान कपड़ों पे खर्च करता है तो नहीं सोचता है, कोई इंसान किताबों पे खर्च करता है तो नहीं सोचता है, कोई इंसान घूमने पे खर्च करता है तो नहीं सोचता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हिस्से हैं अनछुए कि जिसका खर्च करना उन्होंने सीखा ही नहीं। जब भी वो करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो आप जैसे घरों को देखते, नए पुराने घरों को देखिए, तो वहाँ पर क्या नज़र आएगा कि जिंदगी बदल गई लेकिन अभी तक वो पैटर्न नहीं बदला। पहले ऐसा था कि गांव में बड़े बड़े आंगन वाले घर थे, जहां पे आप जितना चाहे उतना सामान रख सकते थे, आपके पास स्पेयर रूम्स होते थे जिसमें सामान ही भरा होता था। गांव के घर इस तरीके से हुआ करते थे, अभी भी कुछ होंगे आप देख सकते हैं। तो वहां पे जगह की कीमत कम है, सामान की कीमत ज्यादा है। अब वहां के लोग जब बच्चे बड़े हुए, बड़े होके अब पढ़ाई लिखाई करने बाहर आ गए, कोटा चले गए, इंदौर दिल्ली चले गए, IIT पास आउट हो गए, अब वो मेट्रो सिटीज में प्लेस्ड हैं। अब उनके माता पिता जब आते हैं उनके साथ रहने के लिए, तो ये सामान और जगह का जो द्वंद है, जो डिलेमा है, वो क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि उनको नहीं पता लगता है कि मुंबई जैसी जगह में, जहाँ एक स्क्वायर फिट जगह की कीमत हो सकता है 50,000 है, वहां पे अगर वो 4 फीट 6 फीट की अलमारी रख देंगे, जो कि 10-15 या 20,000 रुपए की अलमारी है, तो वो अलमीरा ज्यादा महंगी हो रही है मेंटेन करने के लिए। तो आपको वहां पे समझना होगा कि आप यहाँ पे सामान फेंक सकते हो, जगह बचानी होगी। और गांव में इसका ठीक उल्टा था कि जगह की कोई कमी नहीं है, आप तो लाओ क्या रखना है। तो पुराने घरों में हर जरूरत का सामान घर में हुआ करता था, एक बिस्तर पेटी, दो चार कनस्तर, डब्बे, टीन, अलमिराज, और साथ में वो चक्की भी हो सकती थी आटा पीसने की, या घट्टी हो सकती थी, बड़े बड़े टैंकर हो सकते थे पानी भरने के, हर चीज़ जो ज़रूरत होती थी वो घर में हुआ करती थी। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो चीज़ जब चाहिए तब अवेलेबल भी हो जाती है। तो पहले मकान क्यों इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि रेंट पे रहने के लिए जब आप चाहते थे तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, मनचाहे मकान रहने को मिलते नहीं थे, सब अपने लिए घर बना के रखते थे, कहीं कोई स्पेयर घर होता था तो वो किसी को किराए पे दे देते थे। और बिजनेस करने के लिए को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं भरी पड़ी थी, तो हमारे लिए जो कैश था उसकी बजाय हम मकान बना के रख लेते थे, सिक्योरिटी सिस्टम था, पूरे समाज के बीच में रह रहे थे, मज़ा आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब मकान मेट्रो सिटीज़ में या टीयर टू सिटीज़ में जाओ, आपको अच्छे से अच्छे फर्निश्ड मकान रेंट में मिल जाएंगे, आपको कमी पड़ेगी तो
बिजनेस के लिए रनिंग कैपिटल की या एजुकेशन के लिए, जो लोग जॉब वाले मेंटालिटी के हैं उनको भी हायर एजुकेशन लेना है, एजुकेशन के लिए लोन लेने की नौबत आ गई है जो कि पहले नहीं थी। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए कहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, तो चीजें बदल जाती है। एज की बात करते हैं हम लोग कि एक टीनेजर के लिए हेल्थ और टाइम सबसे कम प्रायोरिटी वाली चीज थी। अगर किसी ने कहा कि यार ये क्या खा रहा है इससे तेरी हेल्थ को प्रॉब्लम होगी, बोले अरे हटाओ ना अभी कौन सा बीमार पड़ रहा हूँ। टाइम मतलब इससे अगर तू इस गाड़ी से जाएगा 3000 रुपया लगेगा और इसके बाद एक गाड़ी आएगी वो 800 रुपये में लेके जाएगी, तो मैं 800 वाले में जाना चाहूँगा कि मुझे मालूम है जो 2200-2400 रुपये बच जाएंगे उससे मैं कितना ऐश कर सकता हूँ। टाइम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आफ्टर 35 की एज के बाद आप एक प्रोफेशनल हो गए हैं तो वही दोनों चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा स्कार्स हो गई है, सर उसकी कमी है तो आपके लिए काफी वैल्यूएबल हो जाएगी। तो एक उम्र के बाद में वही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको समय समय पे अपने आप को अपडेट करना सीखना है। ये खर्च करने की कला जो हम बात कर रहे हैं, पहले तो मैं सवाल खड़े कर रहा हूं ताकि आपको यह पता लगे कि हाँ प्रॉब्लम है, उसके बाद हम सॉल्यूशंस का एक पूरा सीरीज ही लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरेशन गैप क्यों हो जाता है? जनरेशन गैप इसलिए हो जाता है कि बच्चों ने देखा अभी यंगस्टर्स ने कि उनके पिताजी ने बहुत बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम खड़ा किया, उनके पास 2-4 मकान हैं, खाने के लिए रहने के लिए पैसा था, ये सब कुछ था, लेकिन वो छोटी सी छोटी चीजों में भी अटके जा रहे थे और यहाँ एक क्लेश पैदा होता है। यहाँ पे दोनों जनरेशन आपस में टकराती है। तो पुरानी जनरेशन कहती है कि अरे 500 रुपये का तो तू पिज्ज़ा खा रहा है, एक ज़माने में 400 तो मेरी सैलरी थी। तो आप अपनी 400 रुपये की सैलरी की दुहाई देके आज की हर चीज़ को नकार नहीं पाएंगे। तो आपको यहाँ पे समझना है कि क्या चीज़ ज़रूरी है और क्यों है। तो मेट्रो सिटीज़ में हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे लोग सुबह से लेकर शाम तक बिजी हैं। अब पहले ग्रोसरी किराना खाने पीने का खर्च आपके इनकम का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। ऐसा कह सकते हैं कि माता पिता के जब वो जवान थे तो हो सकता था उनकी सैलरी 10,000 हो, उसमें से 2-3 हज़ार रुपया खाने पीने में खर्च हो गया, बाकी दूसरी चीज़ें हो गई, लाइफस्टाइल एक्सपेंस लगभग न के बराबर था। अब ये हालत है कि जो लोग भी 1.5-2 लाख का सैलरी कमा रहे हैं उनका खाने का खर्च हार्डली 10% होगा, लाइफस्टाइल एक्सपेंस सबसे बड़ा खर्च बन के सामने आ गया है। अब वो पिज्ज़ा का खर्च या ईटिंग आउट्स या बाहर पार्टी कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ट्रेवल चल रहा है, फ्लाइट के फ्लाइट बाय फ्लाइट टिकट्स होते चले जा रहे हैं, और उसमें अगर हमने ये सवाल खड़ा कर दिया कि भाई ये सब क्यों, तो ऐसा नहीं है कि जो ये जो खुले हाथ से खर्च कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी देखे बगैर वो सही कर रहे हैं, लेकिन ये भी समझना है कि वहाँ शायद कुछ रोल हो। तो अगर हम इस चीज़ को पूरी तरह नकार दें कि मेन स्ट्रीम में जो कुछ भी लोग कर रहे हैं और उनको जीने के लिए अब इंस्टेंट मज़ा चाहिए, तो उनके पास 2 ही घंटे हैं, 2 घंटे में वो कंसेंट्रेटेड मज़ा लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि समय कम है और अभी खुशी महसूस करनी है, तो शायद उस वजह से लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस अपनी जगह ले लेते हैं। इसको टाला भी जा सकता है लेकिन एक हद तक, ऐसा नहीं हो कि वो पैसा बचाने के चक्कर में लोग डिप्रेशन की तरफ चले जाएं या उनको ऐसा लगने लगे कि हम आउट ऑफ प्लेस हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कि ओवरऑल एक मनी माइंडेड मेंटेलिटी है जो आपको सही कदम उठाने नहीं देती। तो मनी माइंडेड मेंटेलिटी में क्या होता है कि पुराने लोग हमेशा कोई भी चीज़ को एंजॉय करने से पहले पूछ रहे हैं भाई कितने का है, पैसा कितना लगा, कहीं महंगा तो नहीं हो गया, और नया आदमी कोई भी चीज़ देख के पहले से डरा हुआ है कि कहीं सस्ता तो नहीं उठा ला है। वो मैं दोनों को गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास ये बात होनी चाहिए कि पैसे के आसपास ही आपका थॉट प्रोसेस क्यों घूम रहा है, आपको कोई पर्पस पूरा करना है, सही क्वालिटी सही प्राइस पे काम हो जाए। पैसा उड़ाने की जो जिद है या पैसा बचाने की जो जिद है, दोनों ही मनी माइंडेड अप्रोच है। सही तरीके से खर्च करना है तो मुझे जानना होगा कि मुझे क्या करना है। तो हर 4 साल में अब क्या हो रहा है कि पेरेंट्स 20 साल बाद के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं जो आगे चल के क्या हो जाएगी हमको पता भी नहीं।
अब जब प्रॉब्लम ही आपको नहीं पता तो सॉल्यूशन कैसे पता होगा। तो क्या हो रहा है, दुनिया हर 4 साल में अपसाइड डाउन चेंज हो रही है, पूरी उलट पुलट हो जा रही है। आप थोड़ा सा पीछे जाके विचार तो कीजिए कि ये अभी जो व्हाट्सएप पे हो रहा है, फेसबुक में हो रहा है, जो एंटरटेनमेंट कंटेंट आपको नेटफ्लिक्स में मिल गया है, जो आप अमेजन प्राइम पे देख रहे हैं, जिस तरह की सीरीज आ रही है, जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है, जैसे बैंक का पैसा, बैंक की शक्ल नहीं देख रहे अब हम बरसों बरसों तक, ये सब आपने कभी सोचा था क्या? नहीं सोचा था। तो क्या करें, हर 4 साल में आपको अपने आप को अपडेट करना होगा, आपको देखना होगा कि अभी आपकी कैपेसिटी क्या है, और उस कैपेसिटी के हिसाब से वो नजरिया नहीं होना चाहिए कि भाई जो चीज मुझे नहीं करनी पड़े वो मैं खर्च करूं, मतलब जब तक मुझे जरूरी नहीं हो, तलवार नहीं लटक जाए तब तक मैं खर्च ना करूं। आपकी सपोज एक वक्त आप 20,000 रुपया महीना कमाते थे, अब आप 1.5 लाख कमाते हो, तो 20,000 के वक्त आप 2,000 रुपया अपने अपडेशन पे खर्च करते थे, अब आप 15% 30,000 रुपया अपने अपडेशन पे खर्च करें। लेकिन ये अपडेशन कैसा है? अपडेशन दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमने कहा कि आप अपना स्टैंडर्ड उठाओ तो लोगों ने अपने कपड़े महंगे कर लिए, अपनी गाड़ी चेंज कर ली, और टीवी चेंज कर दिया, फ्रिज बढ़ा लिया है, इससे आप अपग्रेड नहीं हो रहे हैं। अपग्रेड होते हैं वो अपग्रेड करें अपने आप को इस तरीके से जो आपको आजाद करे, जो पीस ऑफ माइंड लेके आए आपके दिमाग में। आजाद करना मतलब आपके बच्चे सही तरीके से तैयार हो रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और आपको क्या करना है, जैसे अभी कहा कि 20 साल बाद के लिए तैयार कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं प्रॉब्लम, तो इसका मतलब क्या नहीं तैयार करें? नहीं, तैयार करना है। आपको किस बात के लिए तैयार करना है? कि हमेशा ओपन माइंडेड रहो और आज का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा उसको पहचानने की कोशिश करो, और ये जो भीड़ का प्रेशर है इससे बाहर निकल जाओ। जैसे आपको अपना प्रॉब्लम पता लग जाएगा, भीड़ के प्रेशर से आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में किसी की इज्जत की है तो उस इंसान की इज्जत की है जिसकी अप्रोच इंटीग्रेटेड है। मैंने ऐसे इंसानों की भी इज्जत की है, और मैंने लोगों को भी करते देखा है जो 15,000 रुपये महीना आज कमाते होंगे, लेकिन वो सही तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं, वो जो काम पहले किए जाना जरूरी है वो करते हैं, और वो भले ही आपसे कुछ कम महंगे कपड़े पहन ले, या हो सकता है उनके पास एक छोटी सी सेकंड हैंड बाइक हो, पर फिर भी आप उनकी इज्जत करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि ये इंसान अपनी जगह पे जो सही काम बन सकता है वो कर रहा है। और ऐसे में जो लोग अपनी कैपेसिटी को फेक करते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा बीमारी लग गई है आजकल, कि आप अगर 1 लाख कमा रहे हो तो आप 1.25 लाख खर्च करके बता रहे हो कि भी मैं इस कैटेगरी से तो ऊपर ही हूं, और ये करने में आप अपनी कैटेगरी से भी नीचे गिर जाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, तसल्ली से सोचना है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो पैसा एक टूल है, जो हमने पहले भी कहा है कि काइंड को और काइंड बनाता है, दयालु को और दयालु बनाता है, दोस्त को और बड़ा दो अच्छा दोस्त बनाता है, दुष्ट को और दुष्ट बनाता है, और कंजूस को और ज्यादा कंजूस बना सकता है। तो ये तो टूल है, इसका इस्तेमाल करना हमको सीखना है और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, कि आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन अपडेशन पे खर्च करने की कोशिश करें। जैसे एक 10 साल पहले तक मैं देख रहा था, 5 साल पहले तक भी देखा था कि इंफॉर्मेशन की कोई कीमत ही नहीं थी, कोई डाटा, मतलब लोगों के घर में कंप्यूटर्स बड़ी मुश्किल से आ रहे थे, टीवी उनके यहाँ 50,000 का था, चलो कंप्यूटर पहुँच गए, लैपटॉप पहुँच गए, उसके बाद डाटा नहीं पहुँच पा रहा था, डाटा की सही स्पीड नहीं थी। अब जब से जियो आया तो एकदम ऑल ओवर इंडिया में डाटा पहुँच गया, और उससे क्या बदलाव आया वो देखने को मिल रहा है। तो सारे बदलाव सही है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लोग लगे पड़े हैं सारा काम धंधा छोड़ के, लेकिन ये फेज भी गुजर जाएगा। जब नई नई कोई चीज़ आती है तो दीवानगी आती है, जो 16 साल की दीवानगी आपने भी महसूस की होगी, लेकिन 19-20 के बाद आप वही दीवानगी महसूस नहीं कर सकते, फिर आप आगे बढ़ जाते हो, भी ये बताओ अब करना क्या है। तो टूल और रिसोर्सेज से फेमिलियर तो हो गए हैं, अब आपको सिर्फ उन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना है, और ज़िंदगी बिल्कुल बदलने को तैयार खड़ी है। और बदलना मतलब हर दिन हमारा आज़ाद होता चला जाए। तो खर्च करने की कला कमाने की कला से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस पर हम आगे बहुत सारी बातें करना चाहेंगे, क्योंकि ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा हम कोई बहुत अच्छी स्टोरी क्रिएट कर पाएँ, बहुत आगे बढ़ पाएँ, ये पॉसिबल नहीं होता। तो हमको ये सारी चीज़ें देखनी हैं कि एक फैमिली में जो
बंदा डिसीजन ले रहा है वो अपने आप को अपग्रेड कैसे कर रहा है, जो मदर है वो अपने आप को अपग्रेड कैसे कर रही है, बच्चों के लिए क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है जो आप कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बच्चों के लिए हम उनकी शादी 25 लाख में करने को सपने देख रहे हैं, लेकिन अगर वो 2.5 लाख का एक शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहें तो हम एकदम हाथ खड़े कर दें, ये पॉसिबल है। और माँ बाप अपने आप को ये सोच के अपग्रेड नहीं करते हैं कि भाई अब हमारा क्या है जो है इन बच्चों का, इनको सिखाना, तो उनके साथ ये वाली चीज़ हो जाती है कि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे उनसे कभी भी कह सकते हैं कि आप चुप रहो, आपको क्या मन, आप जानते क्या। तो जिन बच्चों को आप तैयार कर रहे हो, गलती उनकी नहीं है, थोड़ी गलती आपकी भी है। आपको भी अपना ख्याल रख के खुद को अपग्रेड इसलिए करना है कि उनके लिए जो डिसीजन लेने हैं वो सबसे अच्छे डिसीजन आप ले सकते हो। तो जड़ में पानी डालेंगे तो पत्तियां अपने आप फलेगी फूलेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक पे आगे भी बात करेंगे। हम आपका फीडबैक चाहते हैं और आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस चाहते हैं। आगे कुछ रियल केस स्टडीज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे अपना खर्च सही एलोकेट करने से लोगों की जिंदगियां बदल गई। तो आप चैनल पे बने रहिए, www.speedearning.in पे कोर्सेज हैं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, 16,000 के 4 वीडियो कोर्सेज के साथ 2 मंथ का एडवाइस सपोर्ट हम आपको दे रहे हैं, और 60,000 6 मंथ का डिटेल ट्रेनिंग कोर्स है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।